बायोटेक लैब्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको घर पे ऑर्गेनिकली ग्रोन टोमेटो से टोमेटो केचप कैसे बनाते हैं वो विधि हम आपको दिखा रहे हैं, जिस कारण से आप जानते हैं कि टोमेटो सॉस या केचप में ये चीज देखने की रहती है कि उसमें टमाटर में जो ये लाल कलर होता है वो इसके लाइकोपीन कंटेंट, जो पिगमेंट इसमें पाया जाता है जिसके कारण ही टमाटर का कलर लाल होता है, और ये लाइकोपीन कंटेंट या पिगमेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर होता है, और ये शरीर में रोग प्रतिबंधात्मक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। अतः हमें ऑर्गेनिक टोमेटो 100% टोमेटो सॉस या केचप का अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। आइए अब आप हमको दिखाते हैं कि ये हमारे टेरेस गार्डन में उगाए हुए 2 किलो टमाटर हमने लिए हैं और ये ऑर्गेनिकली ग्रोन है। इनको हम घर पे होममेड केचप कैसे बना सकते हैं उसकी विधि हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इन टमाटर्स को ले लिया है, इनको 2-3 बार हमने इनको साफ पानी से धो लिया है। अब हम इनको इस काट करके और इस भगोने में रखेंगे और फिर बाद में इसको उबलने के लिए रख देंगे। इस तरीके से हम इसमें करीब करीब 3 या 4 टुकड़े टोमेटोज के कर लेते हैं। आप देखिए इसको आराम से आप आसानी से इस तरीके से इनको काट लें, बहुत ही आसान तरीका है। और ये सॉस या केचप जो बनेगा वो प्योर ऑर्गेनिक होगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इनको हम इस तरीके से काट करके और इस बर्तन में रख लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी डाल करके और उबालने के लिए इसको रखें। इन सबको बॉयल हो जाना है, बॉयल हो करके इसके कंटेंट को, जूस को एक्सट्रैक्ट करना रहता है। जब भी कभी आप मार्केट से, बाजार से टोमेटो केचप या सॉस लें तो उसमें टोमेटो कंटेंट का परसेंटेज जरूर देखें, क्योंकि वो परसेंटेज ही ये निर्धारित करता है कि उसमें लाइकोपीन पिगमेंट्स कितने मात्रा में उपलब्ध हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिबंधात्मक क्षमता को बढ़ाता है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमने टमाटर 2 किलो टमाटर हमने काट करके इस भगोने में रख दिया है और अब हम इसमें 1 लीटर ये फिल्टर्ड वाटर जो है वो इसमें डाल दे रहे हैं। आप चाहें तो कम पानी भी डाल सकते हैं, जैसा आप तैयार करना चाहें। अब इसको हम गैस पे उबलने के लिए रख देंगे। अब हमने इसमें इसको ये गैस के ऊपर उबलने के लिए, पकने के लिए चढ़ा दिया है और हमने इसकी, आप इसको मध्यम आंच के ऊपर, मीडियम फ्लेम के ऊपर जो है धीरे धीरे कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर जल्दी हो तो आप फुल फ्लेम पे करें, लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही उबलने के लिए रखते हैं। जब ये अच्छी तरीके से उबल जाएगा तो इसको हम ब्लेंड कर देंगे और फिर हम इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालेंगे। इसको जो है इस प्लेट से इसको ढक देते हैं और धीरे धीरे ये इसमें उबलता रहेगा। अबर हम इसको चलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये टमाटर पक जाए। अब ये टमाटर पक चुके हैं। अब ये पके हुए टमाटर से जूस को निकालने के लिए, ताकि छिलका और बीज अलग अलग हो जाए, हम इस हैंड ब्लेंडर से इसको प्रॉपरली इस तरीके से मिक्स करते हैं। ये हैंड ब्लेंडर से इसको क्रश करने के बाद में एक साफ
स्ट्रेनर से, छन्नी से हम इसको जो है पल्प को अलग करने के लिए धीरे धीरे करके इसमें छान लेते हैं। ऐसे करते हुए इसमें जो टमाटर के छिलके हैं और जो बीज हैं वो निकल जाते हैं और हमारा क्लियर जूस या टोमेटो पल्प जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। फिर उस टोमेटो जूस या पल्प जो निकल के आया है उसमें हम फिर स्वाद अनुसार नमक एवं चीनी मिलाते हैं और मिलाने के बाद में उसको फिर से धीरे धीरे धीमी आंच पे पकने के लिए रख देते हैं। हम इसको जो है इस तरीके से आप देखिए कि इसके अंदर जो है क्लियर पल्प टोमेटो पल्प निकल के बाहर आ रहा है। आप आराम से धीरे धीरे इसको छानते जाइए। ऐसा करने से जो है बीज, आप कोई भी और भी छन्नी ले सकते हैं, हमने ये स्टेनलेस स्टील की छन्नी का इस्तेमाल किया है। छन्नी से छानने के बाद में आप देखिए कि कितना क्लियर टोमेटो पल्प और कलर्ड टोमेटो पल्प जो ओरिजिनल है आपको प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके का कलर या एडिटिव नहीं है, आपके सामने केवल ऑर्गेनिक टोमेटो से उसका जो है पल्प एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब इसमें जो है करीब ये 100 ग्राम चीनी हमने ली है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें जो है आप नमक डाल सकते हैं, हल्का इसमें हमने 2 चम्मच नमक डाला है और आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल के और धीरे धीरे इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख दें। जब ये पक जाएगा तो इसमें ये विनेगर 10 ml विनेगर हम इसमें डालेंगे, वाइट विनेगर है। तो इसमें पकने के बाद में इसमें 10 ml वाइट विनेगर डाल देंगे जो कि एक प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक टोमेटो केचप जिसमें किसी भी तरीके का कोई कलर या कोई अन्य एडिटिव्स नहीं मिलाए गए हैं, तो इसमें प्योर ऑर्गेनिक टोमेटो एक्सट्रैक्ट है जो करीब 95% टोमेटो एक्सट्रैक्ट है। बाकी चीनी है, शुगर है, चीनी है, नमक है और विनेगर है। इन 3 चीज़ों को मिला करके आपका टोमेटो केचप, ऑर्गेनिक टोमेटो केचप तैयार हो जाएगा जिसको आप हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और इसमें 95% टोमेटो ही टोमेटो है। जबकि अन्य कॉमर्शियल अगर आप देखते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है उसमें टोमेटो का कंसंट्रेशन 10% से लेकर के और 20% या 30% तक वेरी करता है और इसमें आप देख सकते हैं कि 95% टोमेटो ही टोमेटो है, ओरिजिनल कलर है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। तो इसको आप इस तरीके से अपने घर पे बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसमें दूसरे भी प्रिजर्वेटिव जो सोडियम बेंजोएट वगैरह है वो उसको आप डाल सकते हैं, हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। हम केवल इसमें हमने वाइट विनेगर 10 ml इसमें हम डालेंगे। ये केचप पक करके तैयार हो गया है। इसको ये जानने के लिए कि ये पूरी तरीके से तैयार है और इसमें वाटर कंटेंट जो है वो सही मात्रा में है, इसके लिए एक प्लेट पे एक टेस्ट करके देख ले सकते हैं। जैसे इसमें एक ड्रॉप केचप लेके और इसको इस तरह से करके देखते हैं। अब देखिए ये फैल नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि अब ये जो है केचप पूरी तरह तैयार है, इसमें वाटर कंटेंट जो है सही मात्रा में उपलब्ध है। जैसे एक ये मेजरिंग बीकर हमने लिया है और ये 10 ml के करीब लेकर के हम इसमें एज ए प्रिजर्वेटिव इसमें
वाइट विनेगर डाल देते हैं और डालने के बाद में इसको इस तरीके से चला देते हैं और चलाने के बाद में इसको हम एक साफ सूखी क्लीन बॉटल में भर करके और फिर हम इसको प्रिजर्वेशन के लिए फ्रिज में रख देते हैं। क्योंकि इसमें हमने विनेगर के अलावा कोई और प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जो करीब करीब 90 दिन तक प्रिजर्व रहता है। यदि आप चाहें तो इसमें दूसरे भी प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, तो फिर आप इसकी सेल्फ लाइफ को और लंबे समय तक रख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये 100% ऑर्गेनिक प्योर शुद्ध टोमेटो केचप तैयार हो गया है, जो कि न्यूट्रिशनली रिच है और स्वास्थ्य वर्धक है। इसको हम इस बॉटल में हमने जो कि तैयार किया है, इसमें हम इस तरीके से भरते हैं। आप देख सकते हैं, आप इसको इसमें भर के और आप रख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कभी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाए। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।